आप टेग्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं वैगनर के अंदर जीपीएस, इंजन ऑन ऑफ का ऑन ऑफ वाला जीपीएस, और साथ में आज हमें इसके अंदर SOS भी लगाना है। SOS क्या होता है? पैनिक बटन होता है, जो मोस्टली कमर्शियल गाड़ियों में यूज होता है, और ये कॉल सेंटर की गाड़ियां, इस तरह की गाड़ियों में ज्यादा यूज होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसका नीचे से ये खोलना है, और वो आपका ये नीचे रखा हुआ है। इसके लिए हमें इसके दो नट ये खोल लेने हैं, और एक नट इसका ये है, इसके नीचे नट है, ये खोल लेंगे और ये बाहर आ जाएगा। इसको ना हल्का सा पुश करके बाहर खींचना पड़ेगा, तो टूटने की टेंशन नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ लॉक होते हैं, वो अपने आप खुल जाते हैं। उसके बाद इसके नीचे आ गए हैं हम, ये कपलर होता है आपका, ये जो कपलर है आपका, ये इस तरीके से लगा होता है, इसमें ये इस तरीके से लगा होता है। और इधर से ना ये देखिए, एक ये देखिए, ये ना एक क्लिप है, इसको दब के ये बाहर आ जाता है इस तरीके से। अगर डायरेक्ट ऐसे खींचेंगे तो खींचेगा नहीं, ये बाहर आ गया। अब इसके बाद हम इसमें चेक करेंगे किसमें आपका डायरेक्ट आ रहा है। एक्चुअली हमें तो पता ही है, बिल्कुल स्विफ्ट जैसे सेम कनेक्शन होते हैं, तो उसमें हरा वायर ये कटता है, ये ACC का वायर भी होता है, ठीक है, तो इसलिए तो अब हमें तो पता ही था, इसलिए हमने काट दिया ऑलरेडी। बट अब आपको चेक करके दिखाते हैं इसको चेक कैसे करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम मीटर ले लेंगे, मीटर को 20 पे कर लेंगे, 20 पे, और उसके बाद डायरेक्ट चेक करेंगे। उससे पहले उसके लिए हम एक ये अर्थ है आपका, ये हमने अर्थ वहाँ पे लगा दिया है, देख लीजिए इसका मीटर का अर्थ। सबसे पहले हम इस वायर में देखो डायरेक्ट आ रहा है, और एक एक करके सारी वायरें चेक कर लेंगे। इसमें डायरेक्ट आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें डायरेक्ट आ रहा है आपका, ये व्हाइट वायर है, इसमें डायरेक्ट आ रहा है, और ये वाली वायर है, इसमें डायरेक्ट आ रहा है, ये व्हाइट वायर है, इसके ऊपर ब्लू स्ट्रिप है, ये देख लीजिए। अब हम इसमें ACC चेक करेंगे। ACC चेक करने के लिए एक हम ले लेंगे, आप ये ले लेंगे वायर, ले लेंगे वायर का टुकड़ा, इसको एक तरफ हम डायरेक्ट में लगा देंगे, ये वाली व्हाइट वायर है आपकी, इसमें लगा लेंगे एक सिरा। देखिए ये ब्लू वाली भी डायरेक्ट थी, एक डायरेक्ट में लगा दिया हमने, और एक ये ग्रीन में लगा दिया, और ये देख लीजिए डैशबोर्ड की लाइट जल गई है। अब तो ये आपका हो गया ACC ग्रीन, और यही कटेगा भी, इसमें डैशबोर्ड की लाइट चलेगी, ये कटेगा भी, इसमें रिले के कनेक्शन होंगे। ठीक है दोस्तों, अब इतना हो गया, अब हम कनेक्शन करते हैं, जा रहे हैं ये GPS के आपके, ये देख लीजिए GPS में चार वायर है, रेड, ब्लैक, येलो और ऑरेंज, और ऑरेंज जो है इसमें ACC है आपकी, और ऑरेंज जो है इसमें ACC है, और ACC को भी हम कनेक्ट कर देते हैं पहले से ही। ये देख लीजिए दोस्तों GPS की, ये रिले की चार वायरें हैं, येलो, दो ग्रीन है, एक व्हाइट है। तो अब आपको इस तरीके से ये क्लियर दिखेगा, ये GPS की ऑरेंज है, इसको ACC की वायर बोलते हैं, ये हमने ग्रीन में एक में लगा दी है, एक ग्रीन हमारा खाली है, और GPS का रेड और रिले का व्हाइट एक साथ कर दिया है हमने, इसको हम डायरेक्ट पे लगाएंगे, और आपका येलो का येलो में चला गया, इसको यहीं पे टेप कर देंगे, इसमें ये अब कहीं कनेक्ट नहीं होगा, ये इतना ही कनेक्ट होना, ये सेंसर वायर है एक तरह से। और एक चीज और है, आपका GPS जो भी होगा उसमें आपका ये रेड, येलो और ब्लैक, ये इसी कलर के होंगे, सिर्फ ऑरेंज आपका व्हाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, या आपका ऑरेंज ही होगा, ऑरेंज व्हाइट या ग्रीन, तीन कलर में ACC आता है। तो अभी हमारा ये कनेक्ट हो चुका है, अब हम ऐसा कैसा ही इसको फिट कर देंगे, पहले हम इसको टेप कर देंगे, इसका ग्रीन हम इस तरफ लगा देंगे, ये ग्रीन हमने इस ग्रीन की साइड लगा दिया है, और स्विफ्ट में तो सेम कनेक्शन होते हैं, स्विफ्ट में भी इसके, ये ग्रीन हमने दूसरी साइड लगा दिया है, ये देख लीजिए ये ग्रीन हम इस साइड लगा देंगे। दोस्तों हमारा एक्चुअली हाथ नहीं चल रहा था, तो हमने क्या किया है आपका, ये खोल लिया है, ये सिर्फ एक नट खुला है ना इसका, एक नट इधर से खुला है आपका ये, और ये नट खुलने से, ये आपका नट है ये वाला, इस नट के खुलने से ये बाहर आ गया है। अब हमने क्या किया था, ये सारे कनेक्शन तो हम कर ही चुके थे, येल्लो येल्लो में लगा चुके हैं, एक ग्रीन इस साइड है, और आपकी जो ग्रीन वायर कटी है वो इस साइड है, अब इस ग्रीन को हम इस साइड लगा देंगे। अभी हमारा लग चुका है, ये देखिए ACC क्या है, हम इसके साथ लगाना था, तो हमने इसको यहाँ पे ना लगाकर इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब रह गया आपका येलो येलो में जा चुका है, ये कंप्लीट है, अब आपका रह गया ये, अब इसमें क्या है आपका, इसमें डायरेक्ट करंट आ रहा था, तो हम इसको स्प्लाइस कर लेंगे, और अब हम इसको इसमें लगा देंगे, रिले का व्हाइट और GPS का रेड दोनों डायरेक्ट में चले जाएंगे आपके। अब हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, ये GPS की वायरिंग थी, इसमें अब एक आपका ब्लैक रह गया है, ब्लैक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्लैक जो है बॉडी अर्थ है, इसके पीछे बॉडी अर्थ लगा देंगे, और भी बहुत जगह वैसे आप देख सकते हैं, बॉडी अर्थ तो खैर आपको ही देखना पड़ेगा कहाँ लगाना है, इसके पीछे ही लगा सकते हैं, ये देखिए बॉडी अर्थ ऑलरेडी, ये देख लीजिए ये ऑलरेडी लगा हुआ है बॉडी अर्थ,
कंपनी ने फिट करके दिया हुआ है, ये बॉडी अर्थ है, इसी में लगा देंगे हम इसको। और इस तरीके से दोस्तों जरूरी नहीं है ये जीपीएस, आप कोई भी जीपीएस लगा सकते हैं, सिर्फ इसमें जो ऑरेंज वायर है वो उसके अंदर ग्रीन हो सकती है, व्हाइट हो सकती है, आप कोई भी जीपीएस लगा सकते हो। ये देख लीजिए, ये आपका बॉडी अर्थ है, ये हो गया हमारा बॉडी अर्थ, इसमें तो हमें कुछ खोलना ही नहीं पड़ा, बस इसको टेप ढंग से कर देना है आपको। अभी हम इसमें एसओएस का बटन भी लगाएंगे आपको, वो दिखाते हैं वो कैसे लगाएंगे। एसओएस जो है पैनिक बटन होता है, उसको दबाने से अलर्ट चला जाता है गाड़ी के ओनर के पास, समबडी इज इन पैनिक। अभी येलो पे वायर पे टेप कर देंगे हम, यहाँ पे हमने एसीसी की वायर लगाई थी आपको। और ये हमारा जीपीएस है, इसके अंदर हम सिम डाल चुके हैं, एसओएस फिट करेंगे। एसओएस फिट करने के लिए हमें थोड़ा सा बिडिंग निकालनी पड़ेगी, एसओएस फिट करने के लिए हमें बिडिंग निकालनी पड़ेगी आपका, ये इस तरीके से। और अब एसओएस फिट करके दिखाते हैं आप, ये एसओएस लगाने के लिए हम साइड की बिडिंग निकाल देंगे और इस साइड की भी बिडिंग निकाल देंगे हम। और सबसे पहले ये एसओएस है आपका, इस एसओएस को हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको इसके पीछे से ले लेंगे, ये डबल टेप है इसके ऊपर, इसको हम छुड़ा के इसको लगा देंगे, और काफी हैवी डबल टेप होती है ये आपका लग गया है एसओएस, ठीक है। अब इसको इसके अंदर से ही हम इसको हम साइड बिटिंग के अंदर दबाते चले जाएंगे। अब हमारा यहां तक पहुंच चुका है ये, ये इसके साइड में से हमारा ये आ जाएगा, हमारा आ गया है इसके साइड में। अब इसको हम यहीं पे हल्का सा लपेट देंगे ताकि ये हमारा खींचे ना। अभी हमारा एसओएस आ चुका है यहाँ पर, अब ये जो है आपका जीपीएस में लग जाएगा, ये हमारा एसओएस भी इस तरीके से देख ली कनेक्ट हो गया, एसओएस कनेक्ट हो गया, कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है, अर्थ लग चुका है, सब कुछ ओके है। अब हमें सिर्फ इसको पैक करना है, ये इस तरीके से पैक हो जाएगा आपका, और इसको हम टेप कर देंगे सारे को। दोस्तों आप देख लीजिए, ये आपका जीपीएस हो चुका है रेडी, वायरिंग भी कंप्लीट पैक हो चुकी है आपकी, ये वायरिंग आ गई है आपकी यहाँ पर, और ये जीपीएस है आपका। अब जीपीएस में एक चीज और बता देता हूँ मैं, इसमें इंजन ऑन ऑफ का फीचर आप जिसके अंदर भी देते हैं, आप जिस भी जीपीएस में इंजन ऑन का फीचर देते हैं, उसको चेक करने का तरीका क्या है, एक तरीका है उसको चेक करने का, ये वायर आपकी रिले पर गई हुई है, ये कंप्लीट वायर रिले पर गई हुई है। अब क्या है, रिले की सेंसर वायर और आपका ब्लैक जो कि आपका बॉडी अर्थ है, ये दोनों टच करने से चलती हुई गाड़ी अगर बंद हो जाएगी तो समझ लीजिए आपका कि आपके कनेक्शन ठीक है, फिर आपकी जीपीएस से जो है बंद होगी गाड़ी, हो गई स्टार्ट। इसको चेक करने के लिए क्या है हमारा, ये गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है, ये देख लीजिए ये गाड़ी स्टार्ट है आपकी, और ये देख लीजिए आपका कपलर ब्लैक एंड येल्लो, इनको टच करना है आपको, ये देख लीजिए लाइट चली गई, बंद हो गई गाड़ी, बंद हो गई आपकी, ये देखिए ये आगे गई, मतलब रिले हमारी ढंग से काम कर रही है, बिल्कुल अच्छे से फंक्शनिंग कर रही है, हमारे कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारी गाड़ी अब बंद नहीं होती जीपीएस से तो मतलब हमारे जीपीएस में प्रॉब्लम है, ना कि कनेक्शन में। ये हमने कनेक्शन चेक करने का एक हार्ड तरीका ही बता दिया आपको, इसी तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं आपके जीपीएस में जो आपका रिले का फंक्शनिंग ठीक है या नहीं ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब हम ये इस पे वो होता है आपका लाइट होती है इसमें, तो उस पे भी टेप लगा देंगे ताकि ये दिखे ना। और अब हम जीपीएस को इसको लगा देंगे कहीं पर भी जहां भी हमारी इस तरीके से बेटर जगह होगी। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको किसी भी तरीके की जीपीएस से रिलेटेड कोई क्यूरी हो, सॉफ्टवेयर की जरूरत हो, या आपके पास कोई भी जीपीएस हो, अगर आप उसको हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर चलाना चाहते हैं तो उसको चला सकते हैं, उसके लिए हमारा ऑनलाइन आपको किसी भी हमारे नंबर से हेल्प मिल जाएगी आपको, और काफी सारे वीडियोज उनको देख के खुद भी जो है आप खुद भी उनको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारा ये जीपीएस परचेज करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पोर्टल से परचेज भी कर सकते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं।